सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। द फ्रंट पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मंदी से निपटने के सरकार जो उपाय कर रही है उनकी, खास तौर से रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ रुपए लेने वाला फैसला जो है उसकी चर्चा करेंगे। सारे कदमों की चर्चा होनी चाहिए कायदे से, क्योंकि मंदी को समझ के सरकार अगर तत्काल कदम उठाने पे की शुरुआत कर रही है और उस पर तत्पर है, तो ये स्वागत योग्य कदम है कि सरकार इस सवाल पे अपने ओर से कोशिश कर रही है। लेकिन काफ़ी सारे सवाल इसके साथ ही जुड़े हुए हैं जो इन फैसलों के बारे में और ख़ास तौर से रिज़र्व बैंक वाले फैसले के मामले में उठ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही रिज़र्व बैंक का फैसला अनाउंस हुआ है उसको लेके राहुल गांधी ने, कांग्रेस के पुराने अध्यक्ष राहुल गांधी ने तुरंत चोर चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया और वित्त मंत्री ने उसका जवाब उसी लहजे में काफ़ी सख्त ढंग से दिया है। ये सवाल इसलिए भी ज़्यादा चर्चा में आ गया है क्योंकि ये माना जाता है कि पिछले जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक के उर्जित पटेल, उन्होंने इसी सवाल पर इस्तीफा दिया था और उसके पहले के जो गवर्नर गए हैं रघुराम राजन, जिनको दूसरा टर्म नहीं मिला, उनके बारे में भी कहा जाता है कि इस सवाल पे उनका टकराव हुआ था। तो इसका मतलब ये निकाला जाता है और निकाला जा रहा है, पॉलिटिकली निकाला जाएगा, कि काफ़ी दिन से ये सरकार कोशिश कर रही थी कि रिजर्व बैंक का पैसा लें और उस पैसे को अपने कामकाज में लगाएं। सरकारें अभी तक रिजर्व बैंक से पैसा लेती रही हैं और रिज़र्व बैंक का पैसा कहीं और से नहीं आता है, वो इसी मुल्क का पैसा है, और अगर इस मुल्क की सरकार उसका पैसा लेके अपने कामकाज में लगाना चाहती है तो इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। दो तीन चीज़ें असल में इसमें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि रिज़र्व बैंक को पैसा कहाँ से आता है और उस पैसे का वो क्या इस्तेमाल करता है, फिर सरकार अगर उससे पैसा लेती है तो उसको क्या इस्तेमाल करना है और क्या करना चाहिए और क्यों ये शोर मच रहा है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। उससे पहले मैं हल्की चर्चा, पिछले शुक्रवार को वित्त मंत्री ने जो मंदी से निपटने के 33 उपाय किए थे उनकी करना चाहता हूँ। उन 33 उपायों को मोटे तौर पे 4-5 कैटेगरी में रखा जा सकता है। कुछ कदम तो ऐसे थे कि अलग अलग सेक्टर इकोनॉमी के जिसकी डिमांड आ रही थी उसको ध्यान में रख के किए गए, ऑटोमोबाइल के लिए कुछ किया गया, हाउसिंग के लिए कुछ किया गया, जीएसटी के झगड़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी उसको निपटाया गया, और छोटे और मझोले उद्योगों के लिए ख़ास तौर से कुछ कदम उठाए गए जो उनको तुरंत फ़ायदा करेंगे। तो ये कदम तो लगता है कि मंदी के लिए उठाए गए थे। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनकी घोषणा थोड़े दिन पहले बजट में हुई थी, उनको दोबारा रिपीट किया गया, जिसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। अगर बजट में वो प्रोविज़न थे जिसमें 70,000 करोड़ रुपए बैंकों को देने का फैसला भी है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि बजट के 50 दिन के अंदर ही सरकार को ये फैसले क्यों करने पड़े? क्या सरकार को 50 दिन पहले मालूम नहीं था कि मंदी आ चुकी है या मंदी आने वाली है और उससे लड़ने के उपाय किए जाएंगे? और अगर तब उपाय नहीं हुए तो जो कदम बड़े बड़े घोषित किए गए कि सुपर रिच से टैक्स लिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट पे कई किस्म के टैक्स लगाए जाएंगे, ख़ास तौर से डिविडेंड लेने में बाहर वाले जिस तरह से आते हैं पैसा लगा के चले जाते हैं उसमें सख्ती की जाएगी, तो इन सारे कदमों पे एक सवाल उठाया जा सकता है कि जब बजट से के माध्यम से कानून बन गया, अब आपको मालूम है कि वित्त विधेयक आता है वो कानून बनता है पार्लियामेंट से पास होके, तब फिर फाइनेंस मिनिस्टर को 50 दिन के अंदर ये अनाउंसमेंट क्यों करने पड़े? तो वो सवाल अपनी जगह हैं और उनका फोकस कहाँ है ये देखना होगा। कुछ चीज़ें तो ज़रूर जो मुश्किल में उद्योग हैं उनके राहत के लिए है, इकोनॉमी के जो सेक्टर्स मुश्किल में हैं उनके राहत के लिए है, लेकिन मोटे तौर पर उसका फ़ायदा किसको होगा? जो बेरोजगारी का बड़ा सवाल है अर्थव्यवस्था में जान डालने के, एक उत्साह तो बना और शेयर बाज़ार में दिखाई दिया, लेकिन शेयर बाज़ार का उत्साह पूरे इकोनॉमी का उत्साह नहीं होता है। पूरे इकोनॉमी के उत्साह के लिए ज़रूरी है कि सारे लोगों के पार्टिसिपेशन की कोशिश की जाए और उसके जतन किए जाएँ। जो कदम उसमें अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, हालांकि वित्त मंत्री ने कहा है कि जरूरी होगा तो हम फिर तुरंत दूसरा कदम उठाएंगे, लेकिन जो उन्होंने दूसरा कदम उठाया जिसकी घोषणा अब हुई है वो ये है कि 1,76,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से लिए जाएंगे।
बजट का प्रावधान 93,000 करोड़ का था, तो उस हिसाब से ये उससे काफ़ी ऊपर है। आज की खबर ये आ रही है इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से कि जो सरकारी प्रतिनिधि थे बिमल जलान कमेटी में, जिसने ये पैसा रिजर्व बैंक से लेने की अनुमति दी, उनकी मांग ये थी कि 1.5% पैसा और बैंक अपना कम करे और करीब 54,000-56,000 करोड़ रुपए और दे। इसका मतलब कि सरकार की ओर से लगातार ये दबाव है कि रिजर्व बैंक का पैसा लिया जाए, और इस बार भी अगर ज़्यादा पैसा लिया गया है तो ये आर्थिक ज़रूरत के हिसाब से है। कायदे से इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मुल्क मुश्किल में हो तो रिजर्व बैंक से सरकार पैसे ले, लेकिन दो चीज़ों का फ़र्क ज़रूरी है पहले समझना। एक तो ये है कि रिजर्व बैंक के जिम्मे इकनॉमी चलाने का काम नहीं है, इकनॉमी चलाने का काम फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, सरकार के पास है। रिजर्व बैंक एक ऑटोनोमस बॉडी इसलिए बनाया गया है कि वो हमारी करेंसी की रखवाली करेगा, हमारे पैसे में किसी किस्म की गड़बड़ ना हो, बल्कि ये जो रिजर्व बैंक की कमाई भी है, ये कमाई कहीं वो पैसा लगा के नहीं करता है, वो बेसिकली इसी तरह की चीज़ें जो अपने करेंसी को बचाते हुए करेंसी छाप के देने में और करेंसी के माध्यम से जो बैंकों को पैसा दिया जाता है, जो सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स का बिजनेस उसको करना पड़ता है, कई बार दूसरे बैंक उसके पास जो पैसा रखते हैं उस पैसे से जो कमाई होती है, इन्हीं सब की कमाई ये है जो हर साल वो अपना खर्चा निकाल के, जो उसके खर्चे होते हैं नोट छापने में, कर्मचारियों को देने में, उस पैसे को निकाल के वो बाकी चीज़ें जो उसके पास बचती हैं, बाकी जो धन बचता है उसका एक बड़ा हिस्सा वो सरकार को हर बार दे दिया करता है अभी भी। और ये रिजर्व पैसा जो है उसके लिए दो टर्म हैं, आप कहेंगे तो मैं उसको बोलूँगी लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। ये दोनों बेसिकली ऐसे कदम उठाने के लिए रिजर्व बैंक अपने पास रखता है कि अगर करेंसी पे किसी किस्म का संकट आता है, और बाज़ार में आप देख रहे हैं कि रोज़ हमारी करेंसी नीचे जा रही है, रोज़ कभी ऊपर जाती है, तो करेंसी को एक लेवल पे बचा के रखने के लिए बाहर की करेंसी से आज की तारीख में ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बाहर से हमारा धंधा काफ़ी बढ़ गया है और आज हमारी इकोनॉमी में विदेशी करेंसी का और देसी करेंसी के एक्सचेंज का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर करेंसी ऊपर नीचे होती है, करेंसी पर किसी किस्म की दिक्कत आती है या बाज़ार में भरोसे की कमी होती है, तब जाके वो अपना पैसा निकालता है और उस पैसे से इंटरवेन करता है बाज़ार में और रुपए को स्टेबिलिटी देता है, इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देता है। तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी में, इकोनॉमिक क्राइसिस गवर्नमेंट का है, उसमें रिजर्व बैंक के क्रेडिट की क्रेडिबिलिटी को, उसकी साख का इस्तेमाल इस तरह से करना, ये अपने आप में या तो बहुत मुश्किल हो तब की स्थिति है, जो अभी तक ऐसी मुश्किल नहीं दिखाई दे रही है और सरकार खुद से ऐसा दावा कर रही है कि ऐसी मुश्किल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पुराने जो गवर्नरों ने आपत्ति की है, वो आपत्तियां क्या सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राय थी या वो इकोनॉमी के ज़्यादा हितैषी हैं? मेरे ख्याल से इस फर्क को तब तक ठीक से नहीं समझा जा सकता जब तक वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक गवर्नर की भूमिका को अलग अलग नहीं मानेंगे। रिजर्व बैंक गवर्नर की भूमिका रिजर्व बैंक की तरह इकोनॉमी चलाना नहीं है, इकोनॉमिक कंसर्न नहीं है, उसकी भूमिका सिर्फ करेंसी तक की है जो वो अब तक करते आई है। इसलिए आज भी जो भी रिजर्व बैंक के पुराने गवर्नरों की प्रतिक्रिया आप देखेंगे, उसमें सब ने सावधानी की बात की है और सब ने थोड़ी नाक अपनी चढ़ाई है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये मात्रा अपने आप में बहुत बड़ा है। ये 2.25 लाख करोड़ का मतलब है कि आपको अपने टैक्स का, अगर आप इसमें, मैं एक और जोड़ देना चाहता हूं कि जो पेट्रोलियम पे सरकार ज़्यादा पैसे इधर वसूल रही है पेट्रोलियम की कीमत गिरने के बाद से, उससे भी करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए हर साल सरकार ले रही है। तो अगर ये 3.5 लाख करोड़ रुपए जोड़ दिए जाएं तो इसका मतलब ये है कि हर साल सरकार जो अपना खर्चा करती है उसका 25% हिस्सा ऐसी जगहों से लिया जा रहा है। अब इस पैसे को लेने में कोई हर्जा नहीं है, अगर रिजर्व बैंक में पड़ा है या मुल्क के लोग टैक्स देने की स्थिति में हैं तो पैसा लेने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, ये पैसा लिया जाना चाहिए और लिया जा सकता है। असली दिक्कत तब होती है कि इस पैसे का खर्चा कहाँ हो रहा है। अभी तक जो घोषणा हुई है सरकार की तरफ से, उसमें खर्च की कोई जगह नहीं बताई गई है कि क्या खर्च होगा। लाल किले से प्रधानमंत्री ने घोषणा की
कि 1,00,000 करोड़ रुपए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करेंगे। उसका कोई टाइमलाइन उन्होंने वहाँ से नहीं दिया। जब वित्त मंत्री ने घोषणा की पिछले शुक्र को यही चीज़, तो उन्होंने भी कोई टाइमलाइन नहीं बताया कि ये पैसा कहाँ खर्चा होगा और कितने दिन में खर्च होगा। ठीक वही स्थिति इन 2,50,000 करोड़ रुपए की भी है कि इसका भी कोई टाइम नहीं बताया गया है कि कितने टाइम में ये पैसा खर्चा होगा और किस किस मद में खर्चा होगा। जो इकोनॉमिस्टों को डर है और वो जेन्युइन है कि सरकार अपना राजकोषीय घाटा भरने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी, ये कुछ ऐसी बात है कि घर का रिजर्व पैसा हम कहीं बचत कर रखे हुए हैं उसको जश्न मनाने में मौज मस्ती में खर्च कर दें। सरकार अपना रेगुलर रूटीन उससे चलाए, अपने राजस्व से, अपनी आमदनी से, लेकिन ऐसा पैसा अगर वो लेती है रिजर्व बैंक से या किसी और साधन से जुटाती है तो उसका इस्तेमाल उसको इकोनॉमी के मामले में करना चाहिए। हो सकता है सरकार के पास प्लान हो, ऐसा नहीं है कि सरकार बेमतलब ऐसे पैसे ले ले रही, लेकिन प्लान अनाउंस नहीं होना एक ही चीज़ बताता है कि सरकार को ज़रूरत से ज़्यादा हड़बड़ाई हुई है। अब तक वो जो दावा करती थी कि मंदी का कोई असर नहीं है और हमारी इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज़ ग्रोथ, शुक्र को भी वित्त मंत्री यही बोल रही थी, वो दावे गलत हैं। इसका मतलब है कि इकोनॉमी की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब है और सरकार कुछ ज़्यादा हड़बड़ी में है। सरकार तत्पर हो, हड़बड़ी में रहे, काम करे, ये ज़रूरी है, लेकिन प्लान के साथ काम करे कि इकोनॉमी को वो कैसे रिवाइव करेगी, लोगों को कैसे इन्वॉल्व करेगी, ख़ास तौर से जो प्रोडक्टिव हमारी फौज है जो आज बेरोजगारी की दर सबसे ऊपर है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेगी, मुल्क के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करेगी और उसमें जहाँ जहाँ कमी आ रही है उसमें इस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा। और हम जानते हैं कि ऑटोमोबाइल से ले कर नॉन बैंकिंग फाइनेंस और रियल इस्टेट, इन सारे सेक्टर्स की हालत ज़्यादा ख़राब है, तो कायदे से एक प्लान वर्कआउट पहले होना चाहिए था, उसके बाद ये पैसा लिया जाता और इस पैसे को बताया जाता कि कहाँ इसको निवेश करेंगे, तब जाके ये शोर नहीं मचता और इकोनॉमी में भी एक उत्साह होता। शुक्र के अनाउंसमेंट के बाद हम सब ने देखा है कि बाज़ार किस तरह से उछलने लगा, क्योंकि खाली शेयर बाज़ार को फोकस करके फैसले लिए गए थे तो शेयर बाज़ार ने उसका जवाब दिया। इकोनॉमी में उससे उत्साह आता है निश्चित रूप से, बाकी इकोनॉमी के लिए भी अगर इतना बड़ा पैकेज आप अनाउंस करते और उसका प्लान बताते तो इकोनॉमी में एक उत्साह आता और मंदी की जो मायूसी है वो मायूसी टूटती। सरकार को इतनी हड़बड़ी और इस किस्म से चुपचाप फैसले, मैं कहूँगा एक तरह से, नहीं लेने चाहिए। अर्थव्यवस्था बहुत सीरियस बिजनेस है और मुल्क की अर्थव्यवस्था अभी सीरियस संकट में है। ये दावा भी ठीक नहीं है कि हम एक नंबर इकोनॉमी है, सबसे तेज ग्रोथ वाली इकोनॉमी है, क्योंकि सबसे तेज ग्रोथ में भी आज चीन हमसे ऊपर हो गया है और दुनिया में मंदी की छाया है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। चीन अमेरिका लड़ाई से लेके हमारी अपनी इकोनॉमी में क्या क्या होने वाले हैं, उसमें इस धन का कैसे इस्तेमाल होगा, ये प्लान बना के सरकार आए तो उसका स्वागत होना चाहिए। वैसे ये भी अभी कोई बहुत बिगड़ी बात नहीं है, लेकिन खर्च करने के पहले इस तरह के प्लान बनना चाहिए और इस तरह की घोषणाएं होनी चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।